नमस्कार। तो आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। और मैं विवेक, छोटा से करियर काउंसलर, लाइफ काउंसलर, मैनेजमेंट कंसल्टेंट और फिर एक MBBS काउंसलर भी। और ये वीडियो फिर से वेरी स्पेसिफिक, क्योंकि कल परसों में भी 3-4 मैसेज आए, 2 फ़ोन आए। और मैं वही कहता हूँ हमेशा लोगों की, आप इस बात के लिए 2500 रुपये मत खर्च कीजिए। तो मैं एक और वीडियो बनाया था, आप वो सुन लीजिए बाकी लोगों के लिए। और ये देखिए वही है शुभारती को लेके, क्योंकि जो लोग राउंड वन में रिपोर्टिंग करने गए हैं, इंस्पाइट ऑफ जो भी आप लेटरबाजी देख रहे हैं, उन सबको से बॉन्ड साइन कराया जा रहा है कि अगर हम माइनॉरिटी स्टेटस में कन्वर्ट हो गए तो आपको फर्स्ट ईयर से इंक्रीज फीस देनी पड़ेगी। और फिर मेरे एक और बड़ा पढ़ा लिखा क्लाइंट था, मतलब भाई शॉर्ट टर्म क्लाइंट छोड़ा, ऐसे जो कई लोग ऐसे होते हैं देखिए, जो पहली कॉल करते हैं, फेस टू फेस मीटिंग करते हैं, आगे हमसे काम नहीं कराते। और इसलिए शायद मैंने ये पेड को कॉल रखी, क्योंकि सबके पास समय लिमिटेड होता है ना, तो मैं उन्हीं के लिए काम या अपना दिमाग चलाना चाहता हूँ जो हमें फ़ी पे कर रहे हैं। और अगर हमें 100 से ऊपर फ़ोन आते हैं तो अल्टीमेटली हमारे क्लाइंट तो 50 से कम ही बन रहे, हम कह लेते हैं 50 ही हैं, पर उसके लिए हम 100-150 कॉल्स या फेस टू फेस मीटिंग करते हैं, और इसलिए हम वो पेड मीटिंग करते हैं। एनीवे, सो द पॉइंट इज़, एक मुझे अच्छी तरह याद है, उसने बहुत रिसर्च करी कि सर एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट बनने के लिए आप जब कॉलेज बनाया था आपको, आपने तभी वो माइनॉरिटी होना चाहिए थे, सेट्रा सेट्रा सेट्रा। तो उसने अपनी रिसर्च की, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा फ्रॉम माई परस्पेक्टिव कि मतलब देखिए, शुभारती के पास एक बिल्डिंग है, राइट, चलता हुआ हॉस्पिटल है। अगर नौबत वहाँ पर आ जाएगी ना, तो वो पूरा पेपर वर्क दोबारा करके, कॉलेज का नाम बदल के, या कुछ भी ऐसा कर सकते हैं कि वो, मतलब आई एम सेइंग कि दे कैन गो टू एनी एक्सट्रीम। जो आपको समझना है या आपको रियलाइज़ करना है कि शुभारती ने ठान ली है माइनॉरिटी कन्वर्ट होकर फीस बढ़ाने की। जो UP गवर्नमेंट की फ़ीस है उससे उनका गुजारा नहीं हो रहा। और लास्ट ईयर तो आप जानते ही हो कि 50 सीटें जो उनको ऐड हुई थी वो बुद्धिस्ट माइनॉरिटी के नाम पर ही ऐड हुई थी। और इस साल भी हम देख रहे थे जो पहले लेटर थे जुलाई के, उसमें 100 सीट माइनॉरिटी की थी, 100 सीट नॉन माइनॉरिटी की थी। और उन्होंने तो बल्कि इंक्रीज्ड फीस के लिए अप्लाई करा था, और फिर आखिरी के 5 दिनों में कुछ तो हुआ है। अब शायद मैं वो वीडियो में नहीं बोल पाऊँगा कि आई कैन इमेजिन कि क्या हुआ होगा कि इस साल उनको रोक दिया गया है। समथिंग बिटवीन DGME एंड UP गवर्नमेंट एंड शुभारती, आप समझते हो कि पर मोटा मोटी आप ये समझना कि जब शुभारती ऐसा कर लेगा और हर साल अगर वो 5 लाख भी एक्स्ट्रा लेता है फीस के, और हर साल अगर एट द सेम टाइम 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं 5 सालों में, तो 4 साल भी पकड़ लो आप, तो 5 लाख इंटू 1000 बच्चे अगर पढ़ रहे हैं एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, तो आप सोचिए कि उसका कितना का इस समय नुकसान हो रहा है। 50 करोड़ रुपये पर ईयर का उसका नुकसान हो रहा है। तो वो नुकसान पूरा करने के लिए अगर कुछ खिलाना भी, मतलब कुछ खर्चा भी करना पड़ जाए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इट्स अ बिग अमाउंट। क्योंकि फंडामेंटली उसने कसम खा रखी है कि मेरे को माइनॉरिटी बनना है। तो खैर, क्वेश्चन ये है कि सर हम क्या करें। और जो सुबह एक फ़ोन आया बेचारे के, तो 400 अबव नंबर है। तो मैंने वही कहा, मैंने कहा देखिए आप यूपी का, और यूपी में आप जानते ही हैं कि राउंड वन में ही मैक्सिमम रिपोर्टिंग हो जाती है, वैसे भी सीट मैट्रिक्स आना है। तो मैंने कहा मैं सबको वही सलाह दे रहा हूँ, शायद आप सब ने सुन ही रखा होगा, सीट मैट्रिक्स देखो। अगर आपको शुभारती के मुकाबले मुजफ्फरनगर मेडिकल, रोहिला खंड, हेरिटेज फॉर दैट मैटर, सरस्वती हापुर, रामा हापुर, हिंद, बाराबंकी, इस तरह के कॉलेज भी, आप KD मथुरा, ये आपको मिल जाते हैं, या चाहे नए खुले हुए यूनाइटेड प्रयागराज वो ठीक कर रहा है, आपको मिल जाता है। तो आपको एक सीरियसली थॉट देनी चाहिए और अपने आप को अपग्रेड पे डाल देना चाहिए। अगर बजट एक इशू था कि आपने शुभारती ये सोच के लिया है कि बजट कम है इसका, मेरे पास एक और क्लाइंट है, सोचिए जो बेचारा वेट कर रहा है, क्योंकि उसके नंबर कम है, एंड दे आर वेरी हैप्पी एंड रेडी टू पे 1 लाख फॉर शुभारती फॉर द वेरी सिंपल रीज़न। फैमिली मुझे हमेशा ही कहती है जी हमारे घर से शुभारती ना खाली 30 मिनट की दूरी पर है। तो वही जो मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि कॉलेज सीट सिलेक्शन में बहुत चीज़ें पिक्चर में आती हैं, कोई सिर्फ क्वालिटी देखता है, कोई क्वालिटी प्लस फैमिली इमोशंस देखता है, कोई कॉस्ट भी देखता है, कोई लोकेशन, जो मैं कहता हूँ लोकेशन और फूड देखना चाहिए फॉर लैंग्वेज एंड फूड इशूज़। तो 10-12 फैक्टर होते हैं जो लोग कंसिडर करते हैं। कोई एक ही बच्चा होता है, किसी को कहता है जी अपने शहर में ही रखना है, चाहे हॉस्टल में रहेगा लेकिन हम मिलजुल सके हर शाम को या हर 2-4 दिन बाद 1 घंटा मिलेंगे बच्चे से। तो इस तरह से डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं। तो कई लोग ऐसे हैं जो शुभारती के 1 करोड़ खुशी से देने को तैयार हैं, और शायद उन्हीं के लिए ये ऑप्शन ठीक है। नहीं तो अगर आपको राउंड 2 जब सीट मैट्रिक्स हो
और आपको लगता है कि उसी कट ऑफ आपसे, और देखिए अपग्रेड डालने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं ना, अगर आपको नहीं मिलेगा तो स्वार्थी में फंसे रहोगे। और तीसरा मैंने वही कहा कि देखिए जो भी 350 से ऊपर की रेंज के बच्चे हैं, बहुत चांस है कि आदेश राउंड टू में इस नंबर पर मिल जाएगा, 350-370 में राउंड टू में हरियाणा में मिल जाना चाहिए आराम से। तो भाई हरियाणा भी 60-62 भर लो सेम बजट में, क्योंकि सोलन या उत्तराखंड का तो बजट ज़्यादा जाता है ना, मैं उनका ऐसे नाम नहीं ले रहा, और डीम्ड का भी ज़्यादा ही जाता है, पर एटलीस्ट आपके पास आदेश एक ऑप्शन है सेम बजट की मैं बात करूँ, अदर देन यूपी की ऑप्शंस। बट सुभारती का तभी रखिए, मैं आपको जो बार बार समझा रहा हूँ कि जब आप दिल से मन से बहुत क्लियर हो कि मैं 1 CR इस कॉलेज के देने को तैयार हूँ, अब आप ऐसे जिसके नंबर ऊपर है तो उसको तो ये भी, और आप 1 करोड़ रुपये खर्च करने को तैयार हो, लेट्स से आपके 400 नंबर मार्क्स हैं जो इस बच्चे के थे, फिर तो भाई आपके पास डीम्ड में JLN बेलागावी जैसी ऑप्शंस हैं, राइट, मौलाना ही है। तो भाई जब 1 करोड़ रुपये खर्च करना है तो मौलाना में करूँगा ना, मैं सुभारती में क्यों करूँ। और इस तरह की बहुत ऑप्शंस हैं डीम्ड के अंदर, आपको बहुत ऑप्शन मिल जाएंगी, दोनों उड़ीसा की यूनिवर्सिटीज़ आपको, आपके पास ऑप्शंस हैं, तो वो सब देख कर आप फैसला कीजिए। पर मेरा पर्सनल जजमेंट आप लेना चाहते हो जो बहुत लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि वो बार बार साइन ये करवा रहा है कि फर्स्ट ईयर से, दैट मीन्स अगले 4.5 साल में कभी भी फीस बढ़ जाएगी तो आपको देनी पड़ेगी। अब 4.5 साल बहुत लंबा टाइम है, तो आपके गर्दन पे तलवार तब तक अटकी रहेगी। और आज से 3 साल बाद 2027 में भी अगर इंक्रीज हो जाती है या उन्हें माइनॉरिटी स्टेटस मिल जाता है या वो जो भी अपनी गेम खेल लेते हैं, तो वो क्लियरली बोल रहे हैं कि 2023 से आपको फीस इंक्रीज वाली देनी पड़ेगी। तो इस चीज़ को सोच समझ के आप फैसला कीजिए, ये मेरी आपको सलाह है। और इस क्वेश्चन के अलावा आप अपनी काउंसलिंग में, अपनी पूरी प्रोसेस में हमारी हेल्प, हमारी मदद लेना चाहें तो 9643362320 पे कॉल कीजिए। और कई बार ऐसे होता है, देखिए कल ही की बात है, कॉल आई थी जिसको वेरी स्पेसिफिक सवाल था, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन महाराष्ट्र की 2 डीम्ड में से उनको एक चूज़ करना था, तो उनके पास कोई काउंसलिंग में उनको हेल्प नहीं चाहिए थी, चॉइस फिलिंग बहुत उनको आती है करनी, उनको यह था कि दोनों में से किसको ऊपर रखें। अब इसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आई थिंक उन्होंने मेरे 15 मिनट लिए, मुझे 2500 रुपये दिए, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। और जो 1.25 करोड़ रुपये का बजट खर्च करने को तैयार है, क्या उसको 2500 रुपये की कॉल देने में सोचना चाहिए? ऑफकोर्स वो दिल्ली के नहीं थे, वो कहते सर नहीं तो हम मिल के भी आपके सामने बैठते और 5000 वाली मीटिंग कर लेते, और फुल टाइम काउंसलिंग की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि दे आर वेरी क्लियर, उन्हें DMD चाहिए, मतलब उनके मार्क्स ऐसे हैं, और महाराष्ट्र की 2 उनको मिल रही हैं, दोनों 1.25 करोड़ के बजट की थी, और हमें बस एक फाइनल करनी है, राइट। तो उसके लिए ये कॉल या फर्स्ट एक मीटिंग ठीक रहती है, जब आप एक बहुत छोटे डाउट से आपके 2-4-5 जॉब क्लियर करना चाहते हो फ्रॉम अ ऑनेस्ट न्यूट्रल पर्सन, एंड इफ़ यू स्टिल नीड मोर हेल्प देन यू कैन टेक अवर फुल पैकेज। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।